वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए BA फर्स्ट ईयर की सोशोलॉजी के लघु उत्तर प्रश्न कराने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 3, जो आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न है, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन है हमारा, परिस्थिति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपसे परिस्थिति की विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि परिस्थिति किसी व्यक्ति अथवा समूह को सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मिलने वाला वह पद है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त उसके अधिकारों को स्पष्ट करता है। परिस्थिति जो है वो किसी व्यक्ति अथवा समूह को सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मिलने वाला वह पद है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त उसके अधिकारों को स्पष्ट करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा, परिस्थिति एक संस्थागत पद है। परिस्थिति जो है वो कैसा पद है, ये एक संस्थागत पद है। व्यक्ति के जिस पद को समाज की परंपराओं अथवा कानूनों द्वारा मान्यता दी जाती है उसी को व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। परिस्थिति जो है वो एक संस्थागत पद है। व्यक्ति के जिस पद को समाज की परंपराओं अथवा कानूनों द्वारा मान्यता दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे उस व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है, परिस्थिति की प्रकृति एकांकी नहीं होती, ठीक है। परिस्थिति की जो प्रकृति होती है, जो उसका नेचर होता है, वो एकांकी नहीं होता है। व्यक्ति एक ही समय में केवल एक ही स्थिति प्राप्त नहीं करता बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में एक ही समय पर उसकी अनेक परिस्थितियां होती हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है, परिस्थिति की अवधारणा प्रतिष्ठा से भिन्न है। एक उच्च परिस्थिति वाला व्यक्ति यदि अपने कर्तव्यों का समुचित ढंग से निर्वाह नहीं करता है तो उसकी परिस्थिति तो ऊंची रह सकती है, ठीक है, किंतु उसे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती या नहीं हो सकती, ठीक है। फिर से देखते हैं इस पॉइंट के लिए कि परिस्थिति की अवधारणा प्रतिष्ठा से भिन्न है, ठीक है। परिस्थिति और की जो अवधारणा है वो प्रतिष्ठा से भिन्न है, मतलब अलग है। एक उच्च परिस्थिति वाला व्यक्ति यदि अपने कर्तव्यों का समुचित ढंग से निर्वाह नहीं करता है तो उसकी परिस्थिति तो ऊंची रह सकती है किंतु उसे समाज की प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। फाइव पॉइंट कह रहा है, परिस्थिति की प्रकृति स्थायी नहीं होती है, ठीक है। व्यक्ति की सक्रियता या निष्क्रियता से इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। सेवेंथ पॉइंट हमारा है कि परिस्थिति से संबंधित एक विशेष दशा परिस्थिति संघर्ष की है। जब एक व्यक्ति साथ साथ अनेक परिस्थितियां धारण करता है तब प्रायः एक परिस्थिति के मानदंडों का पालन करने से उसकी दूसरी परिस्थिति के दायित्वों पर आघात पहुंचता है। सेवेंथ पॉइंट है हमारा कि व्यक्ति को मिलने वाली सभी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। कुछ परिस्थितियां व्यक्ति को परंपराओं के अनुसार बिना कोई प्रयत्न किए स्वयं प्राप्त हो जाती हैं, जबकि कुछ परिस्थितियां प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना होता है। इन्हें क्रमशः प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें प्रदत्त या अर्जित परिस्थिति कहते हैं। आठवां पॉइंट हमारा, परिस्थिति का भूमिका से घनिष्ठ संबंध है। परिस्थिति का भूमिका से कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। समाज में व्यक्ति की कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होती जिसकी एक निश्चित भूमिका नहीं होती। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न है, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।